हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में डिज़ाइन बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 19 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 करते करते लास्ट में एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ निडिल पे मेरे 19 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा 6 रो का है, 6 लाइन का ये हमारा बुनाई का डिज़ाइन है, जिसमें कि 2 लाइनें हमने एक कलर से बनानी है, आगे की 4 लाइनें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद हमने सेकंड कलर लगाना है, जो कि यहाँ पे मैंने लगा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। तो स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 3 फंदे हमने सेकेंड कलर से सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3 और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। शुरू के 4 फंदे छोड़ के यही 6 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से देखिएगा, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में 3 फंदे हमारे बचे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट में भी 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। बीच में तो हमारे 5-5 फंदे आएंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सेकंड रो। जो फंदे इधर हमने सीधे बुने थे, इधर भी हम सीधा बुनेंगे, और जो फंदा हमने स्लिप किया था, इधर भी हम स्लिप करेंगे। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उल्टी साइड है, फिर भी हम सीधे बुन रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 2 लाइनें हमने सेकंड कलर से बनाई हैं, आगे की 4 लाइनें हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। तो इस रो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जो 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, जो स्लिप वाला फंदा है, ये हमारा बीच में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू के 2 फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। अब 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3। आगे के 3 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, 1, 2, 3 और 3 फंदे हम स्लिप करेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, 3 फंदे स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम स्लिप करेंगे। स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमने स्लिप किए हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमने स्लिप किए हैं। तो यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। आप आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। जो फंदे इधर हमने स्लिप किए थे, इधर भी हम स्लिप करेंगे। जो फंदे इधर हमने बुने थे, इधर हम उल्टा बुनेंगे। तो 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर 3 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, लास्ट में 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। तो इस तरह देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमने स्लिप किए हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमने स्लिप किए हैं। तो यहाँ पे डिजाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिजाइन की फिफ्थ रो है। पहले फ्रेंड्स आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे बीच में हमारे पांच फंदे थे पर्पल कलर के, फिर बाद में हमारे तीन फंदे हो गए हैं, अब हमारा एक फंदा होगा बीच में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर आगे के फंदों को हमने सीधा बुनना है, बीच में हमारे जो ये तीन फंदे हैं बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। शुरू के छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये वाला फंदा छः। अब ये बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर आगे के पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर लास्ट में हमारे छः फंदे बचे हैं, छः फंदे हम सीधे बुन लेंगे। स्टार्टिंग में छः फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट में भी हमने छः फंदे सीधे बुने हैं, बीच में तो हमारे पांच पांच फंदे आएंगे जो कि हमने सीधे बुने हैं। यहाँ पे डिजाइन की फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की सिक्स रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डिजाइन की सिक्स रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आधा डिजाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे की छह लाइनें हमने बनानी है ऐसे ही है, पर स्टार्टिंग में थोड़ा चेंज हो जाएगा। दो लाइनें हमने सेकंड कलर से बनानी है, तो स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब हमने कैसे स्टार्ट करना है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे, पर स्टार्टिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब की बार हमने इस फंदे को स्लिप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर के छह फंदे हम सीधे बुनेंगे। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, तीन फंदे सीधे बुने थे और एक फंदे को स्लिप किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, छह फंदे सीधे बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। तो सेकंड कलर से हमने छह फंदे सीधे बुनने हैं। ये हमारे डिजाइन की सेवंथ रो है। एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच, और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में छह फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छः। तो देखिएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में छह फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट में छह फंदे हमने सीधे बुने हैं। बीच में तो हमारे पांच पांच फंदे आएंगे जो कि हमने सीधे बुनने हैं। स्टार्टिंग और लास्ट में हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिजाइन की सेवंथ रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की एट्थ रो है। जो फंदे इधर हमने सीधे बुने थे इधर भी हम सीधा बुनेंगे, यानी छह फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा पीछे करेंगे और छह फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की एट्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिजाइन की नाइन्थ रो है। दो लाइनें हमारी सेकंड कलर से बन गई हैं, आगे की चार लाइनें हमने बेस कलर से बनानी है जिससे कि हमने बॉर्डर बनाया था। तो ये हमारे डिजाइन की नाइन्थ रो है। तो स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी ना उसी तरीके से बनाएंगे, बस स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। और तीन फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जो फंदा हमने स्लिप किया था ये हमारा बीच में आना चाहिए। फिर तीन फंदे हम स्लिप करेंगे और लास्ट में दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में दो फंदे हमने सीधे बुने हैं
और लास्ट में दो फंदे हमने सीधे बुने हैं। बीच में तो हमारे तीन तीन फंदे आएंगे, तो यहाँ पे डिज़ाइन की 9th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की 10th रो है, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे और तीन फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, जो फंदे इधर हमने स्लिप किए थे इधर भी हम स्लिप करेंगे। फिर तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे और तीन फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 10th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की 11वीं सिलाई है। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि बीच में हमारे 5 फंदे थे पर्पल कलर से, फिर बीच में हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब हम एक फंदा स्लिप करेंगे, ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने स्लिप करना है, बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। जैसे कि बीच वाले फंदे को हमने स्लिप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। अब ये बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब बीच में हमारे 5 फंदे होंगे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये बीच वाला फंदा है इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट में 3 फंदे हमारे बचे हैं, तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 3 फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी 3 फंदे हमारे सीधे हैं। बीच में तो हमारे 5-5 फंदे आएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन की 11वीं सिलाई बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में, डिज़ाइन की 12वीं सिलाई है। यहाँ पे हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन की 12th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इस तरीके से 12 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 12 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 12 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मनचाहे कलर लेकर के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।